बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकोनॉमिक्स फॉर बिजनेस की सीरीज़ में गौकब मंजूर हाजिर खिदमत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉस्ट एंड इट्स टाइप्स। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर दैट व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट एंड व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स। उनके मेन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, जो मेन मेन टाइप्स हैं वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन जी। कॉस्ट क्या है? सिंपली अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें, कॉस्ट है वो तमाम पैसा जो आपका किसी भी प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए लग जाता है, और इन अदर वर्ड्स टोटल सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक क्वांटिटी। आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं या 1000 करने हैं या 1 लाख करने हैं, उसके ऊपर जितना खर्चा आ जाता है, जितना जो लागत आ जाती है उसको हम कॉस्ट कहते हैं। सो टोटल सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस और फॉर प्रोड्यूसिंग ए स्पेसिफिक क्वांटिटी। ठीक है, आप देखिए, हमें प्रोड्यूस करने के लिए लेबर चाहिए, लैंड चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, फ्यूल चाहिए, एनर्जी चाहिए, जितनी भी चीज़ें चाहिए हर एक चीज़ के लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो जितना पैसा हम दे देते हैं, उसको लगा देते हैं, वो सारा कॉस्ट कहलाता है। अब इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं, हम वन बाई वन सारी डिस्कस करेंगे। पहली है जी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि वो कॉस्ट जो कि फिक्स रहती है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, द कॉस्ट विच डज नॉट वेरी विद द चेंज इन द प्रोडक्शन। जब हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो वो कॉस्ट वैसी की वैसी ही रहती है। मिसाल के तौर पे आपने लोन लिया था 1 लाख रुपए का, या उस पर आप 10,000 पर मंथ उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करें या 2 यूनिट प्रोड्यूस करें या कुछ भी प्रोड्यूस ना करें, वो इंटरेस्ट पेमेंट आपको हर मंथ या हर साल जो भी है वो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह आपका मशीनरी है, आपने मशीनरी 1 लाख की ले आए हैं, अब वो मशीनरी आप चाहे 1 यूनिट प्रोड्यूस करें या 10 यूनिट प्रोड्यूस करें, वो कॉस्ट आपकी फिक्स होगी। सो द कॉस्ट विच डज नॉट वेरी विद द चेंज इन प्रोडक्शन, आपके प्रोडक्शन के ख़ास हद तक बढ़ने या घटने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह इसको ये भी कहते हैं कि वो कॉस्ट जो कि ज़ीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे इनकर करनी पड़ती है, यानी आप जब प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो आपको पहले मशीनरी लगानी है, बिल्डिंग लेनी है, हो सकता है स्टार्ट में ऑफिस रेंट देना हो, तो ये वो चीज़ें अभी तक आपने प्रोडक्शन शुरू भी नहीं की लेकिन वो कॉस्ट स्टार्ट हो गई है। इसी तरह अगर आपने लोन लिया है तो आपकी इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट ड्यू होना शुरू हो गई है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आप इसको देखें। इसके बरक्स है जी वेरिएबल कॉस्ट। एज द नेम क्लैरिफाइज, वेरिएबल मीन्स चेंज, एनीथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग, वेरिएबल राइट, वेरी। सो द कॉस्ट विच कीप्स ऑन चेंजिंग, वो कॉस्ट या कॉस्ट का वो हिस्सा जो कि प्रोडक्शन के चेंज होने के साथ चेंज होता रहता है। जैसे कि रॉ मटेरियल, आपने अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं तो थोड़ा रॉ मटेरियल चाहिए, अगर आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं तो आपको ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए। 100 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं तो ज़्यादा फ्यूल भी चाहिए, 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए, लाइक बिजली है तो उसका ज़्यादा इस्तेमाल होगी। ठीक है, लेकिन मशीन वही है 10 यूनिट के लिए भी और 100 यूनिट के लिए भी। सो जो रॉ मटेरियल की कास्ट है ये हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट, जो फ्यूल की कॉस्ट है ये वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, सो द कॉस्ट विच वेरी विद द रेट ऑफ प्रोडक्शन और विच चेंजेस विद चेंज इन प्रोडक्शन। इसी तरह थोड़े यूनिट्स के लिए हमें थोड़े लेबर चाहिए, ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज़्यादा लेबर चाहिए होते हैं। सो पावर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फ्यूल हो गया, लेबर हो गया, रॉ मटेरियल, ये सारी वेरिएबल कॉस्ट होती है। टोटल कॉस्ट क्या होगी? इट्स वेरी सिंपल, इट इज़ द सम ऑफ फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट। जितना खर्चा हमारा फिक्स कॉस्ट पे है, जितना हमारा वेरिएबल पे है, सारों को जमा कर लें तो ये हो जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट। ये किसी भी सर्टन लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए ये आपकी कॉस्ट हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट हैं, ये है जी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था मार्जिन यूटिलिटी वगैरह में, मार्जिनल मीन्स एक्स्ट्रा, एडिशनल, इंक्रीमेंटल। व्हेन वी प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट, जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट मीन्स फॉर प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट। लेट सपोज आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस किए और उस पर कुल खर्चा आ गया, लेट सपोज 1000 रुपये। ठीक है, तो जब आप 101 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, 101th यूनिट, उस एडिशनल 1 यूनिट के ऊपर जो एक्सपेंस आएगा वो होगा मार्जिनल कॉस्ट। इसी तरह अगर आप 102 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो जो 102वां यूनिट है, 102nd यूनिट, उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है वो होगी मार्जिनल कॉस्ट। इट कैन बी ऑब्टेन सिंपली चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट में जितना चेंज आया, जैसे मैंने कहा था कि 1000 रुपये खर्चा आया, जब 101 यूनिट प्रोड्यूस किए तो लेट्स सपोज हमारा खर्चा 1020 हो गया, तो जो एक्स्ट्रा 20 है ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा।
ठीक है। अब है जी एवरेज फिक्स कॉस्ट, इट्स वेरी सिंपल कि आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो उस पर देखें कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट का होगा, कुछ वेरिएबल कॉस्ट का होगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमने एक यूनिट प्रोड्यूस किया है इसमें जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम टीवी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस टीवी में जो फिक्स कॉस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है ये कितना है। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि टोटल फिक्स कॉस्ट ले लें और उसको डिवाइड कर दें क्वांटिटी पे कि जितनी अभी तक प्रोड्यूस हुई है। जैसे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है कि शू फैक्ट्री ने $5,000 खर्चा किया है फिक्स कॉस्ट के ऊपर और इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं जूते 500 पेयर, तो क्या हो जाएगा? सो देन AFC इज इक्वल टू 10। कैसे कि 5,000 तकसीम में 500 इससे आ जाएगा 10, यानी जो एक पेयर ऑफ शू जो प्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर $10 जो हैं वो क्या है, फिक्स कॉस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है और बाकी जो होंगे वो वेरिएबल कॉस्ट है। इसी तरह 1,000 पे हो जाएगा, आप इस तरह चेक कर सकते हैं। इसी से पैरेलल कॉन्सेप्ट है वो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये है कि जो हम जो भी यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें पर यूनिट वेरिएबल का कॉस्ट का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। देखिए ना, आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो मशीनरी भी इस्तेमाल हो रही है, रॉ मटेरियल भी इस्तेमाल हो रहा है। अब मशीनरी फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो अब ये देखें, अब हमने लेट सपोज हमने प्रोड्यूस किए कितने 100 मीटर कपड़ा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस पर $800 का खर्चा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 800 डिवाइड बाय 100, सो हमारे पास $8 पर मीटर, यानी कपड़ा प्रोड्यूस करने में पर मीटर पे $8 जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट फिर से अलग हो जाएगी, ठीक है। सो इट्स ए कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, सॉरी एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, ये सिंपल है पर यूनिट कॉस्ट। अगर हम इसको सिंपलेस्ट पॉसिबल टर्म में डिफाइन करें तो अभी तक हमने 1,000 यूनिट प्रोड्यूस किए, तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक यूनिट की कीमत क्या आ रही है, ठीक है। तो उसका सिंपल सा तरीके के सारी कॉस्ट को यानी टोटल कॉस्ट को क्वान्टिटी पर तकसीम कर दें तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 10,000 रुपये टोटल ख़र्चा किया और हमने प्रोड्यूस किए 1,000 यूनिट, सो 10,000 तकसीम में 1,000 दैट इज इक्वल टू 10, यानी एक यूनिट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं मार्कर का फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये हमें 10 रुपये में पड़ रहा है। अब आप इसके मुताबिक इसकी प्राइस सेटिंग कर सकते हैं कि 11 में बेचना है या 12 में बेचना है। इसको आप एवरेज टोटल कॉस्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाई एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, कि इसमें फिक्स कॉस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है और वेरिएबल कॉस्ट, तो दोनों तरीक़ों से आप मालूम कर सकते हैं। ये देखें जी, एक टेबल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये है सारी कॉस्ट साइड। इस पर आपको देखें ये यूनिट्स हैं, 1 से 10 तक यूनिट दिए हुए हैं। फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड, एज यू कैन सी इट्स फिक्स 100। वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स प्लस वेरिएबल, 100 प्लस 0 100, 100 प्लस 90 190, 100 प्लस 170 270, ठीक है। ये है, तो अब आपने क्या करना है, आपने इसकी एवरेज फिक्स कॉस्ट मालूम करनी है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट कैसे मालूम करेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट, यानी 100 डिवाइड बाय 1, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। इस तरह से आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है, इस कॉलम को, ठीक है। फिर वेरिएबल कॉस्ट क्या, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 90 डिवाइड बाय 1, तो यहाँ लिख देंगे, 170 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से कॉलम हो जाएगा, और एवरेज टोटल कॉस्ट मीन्स पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को आपने क्या करना है, पर यूनिट से डिवाइड करना है, यूनिट से डिवाइड करना है, तो 190 डिवाइड बाय 1, यहाँ पे 190 आ जाएगा, 270 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर जो आ जाएगा वो लिख देंगे। इस तरह से आपने करना है, और मार्जिनल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन क्वान्टिटी। तो चेंज इन कितना है टोटल कॉस्ट में, देखिए यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है, 0 से 1 पे कितना चेंज आ रहा है, 100 से हो गया 190, कितना चेंज हो गया 90 का, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट्स में कितना चेंज आया, 1 का, सो 90 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 90, यहाँ पे लिख देंगे। फिर देखें जी, 190 से 270 पे कितना चेंज आ रहा है, ये आ रहा है 80 का, ठीक है। और 1 से 2 का कितना चेंज आ रहा है, 1 का, यानी एक से हम 2 पे आ गए तो एक चेंज हो गया ना, तो 80 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे 80 आ जाएगा। इस तरह आप इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। और फिर अगला आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपने बनानी है ग्राफ्स। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए, और फिर मुझे कुछ आपकी शक्ल इस तरह से हो जाएगी ग्राफ बनाते वक्त, ठीक है। आपने क्या करना है, आपको मैं हिंट देता हूँ, आप करें FC, PC और TC को एक ग्राफ में बना लें,
और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और एमसी को एक अलग ग्राफ में। सो तीन एक में बना लें, तीन दूसरे में, तो इट विल हेल्प यू। सो डू इट, प्रैक्टिस इट और फिर गिव मी फीडबैक कि वेदर यू आर एबल टू डू इट और नॉट। थैंक यू वेरी मच।